शुरगा से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि एनआईए ने अल उमर के चीफ मुश्ताक जरगर उर्फ लतरम के घर को अटैच किया है। और आपको बता दें कि जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने डिक्लेयर किया कि जरगर एज ए मिलिटेंट पाकिस्तान में इस वक्त रह रहा है, उसके बाद एनआईए ने एक्शन लेते हुए एनआईए की टीम, लोकल पुलिस, पैरामिलिट्री और सीआरपीएफ के साथ इस प्रॉपर्टी को अटैच किया। 2 मरले का लतरम का ये घर, खसरा नंबर 182 गनई मोहल्ला जामिया मस्जिद के पास नोहट्टा में जो है उसे जो है अटैच किया गया है इस प्रॉपर्टी को। और आपको याद दिला दूं कि जरगर को 15 मई 1992 को अरेस्ट किया गया था और 1999 को तब रिलीज किया गया था जब एक प्लेन को हाईजैक किया गया था। और नेगोशिएशन में जिस तरह से 3 लोगों को, जरगर को और साथ ही जैश के चीफ मसूद अजहर और शेख उमर के साथ, इन तीनों को उस टाइम पे जो है रिलीज किया गया था, हाईजैक प्लेन जो था वो, आपको बता दूं कि त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू नेपाल से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली की तरफ उसने जाना था। और जब हाईजैक करके से कांधार लेके गए, वहां पे नेगोशिएशन जब हुई तो उसके बाद इन तीनों को रिलीज किया गया। और फिलहाल मुश्ताक जरगर का जो 2 मरले का घर है उसे अटैच किया गया है। और लोकल्स का क्या कुछ कहना है जो वहां पर रहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मकान मुश्ताक दर कर मकान क्या मोल सुन मकान ये बचे अत बसान बन अल कोर मुश्ताक मुश्ताक अहमद जरगर सुच कत बिचार अत गरीब यम बसान अत सरकार अखरस तो सोचा यह गोड़ मुश्ताक अहमद जरगर मकान यह मोल सुन मकान जी सर ये आपका नाम? मेरा नाम रूफ अहमद मिजगर है, मैं इधर पड़ोसी हूँ, मैं इधर पड़ोसी हूँ रहता हूँ। मैंने देखा कि इनको ये सील हुआ है, मगर ये मुश्ताक अहमद जरगर की प्रॉपर्टी है ही नहीं। किसकी प्रॉपर्टी है? ये उनके बाप की प्रॉपर्टी है, इधर और उनकी बेटियां रहती है, बेटे रहते हैं। तो ये सरासर जुल्म है ना ये सील करना। फोन आपका पास से क्यों किया? ये सरासर जुल्म है। ये किसकी? लेकिन जो 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 वो एनजी सोशल एक्टिविटीज में जुड़े हुए हैं उसके नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। बाकी जो लोग यहाँ रहते हैं वो नहीं है। लगा लगा मुश्ताक अहमद जरगर का गुस्सा किसी और पे उतारना, ये तो कम से कम 60 साल से इधर रहते हैं, हम इधर पड़ोसी है, ये कहाँ का इंसाफ है? आप ही बताइए ये कहाँ का इंसाफ है? अलग अलग बैंक अलग।